अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? खुश हो? 10:30 बज रहे हैं अभी सुबह के। सामान उठा लिया है गाड़ी वाला, गाड़ी कार गाएगा, बैग है मेरा, मतलब इसमें पॉलिश है और ये वो ड्रेसिंग वेसिंग सब इसमें होती। अभी नीचे जा रहा हूँ रिबर्थ की तस्वीरें लेनी, वो जो मैं इंस्टा पे अपलोड करता हूँ तो वो लेनी है। उससे पहले कपड़ा वपड़ा लगेगा, यासिर को भी साफ़ करेंगे, उसको भी स्टार्ट करेंगे। जब से रिबर्थ लिए तब से उसको स्टार्ट ही नहीं किया। स्टार्ट कर ली थी, रात प्लाजा में जगह थी नहीं, बाहर खड़ी हुई थी, इसलिए ये परिंदे की जो है ना वीट गिरी है, तो उसको ये जो होते हैं ना डिटेलर स्प्रे, कार के स्प्रे एंड शाइन, ये में लगाता हूँ जहाँ जहाँ है ना, ताकि फिर सिर्फ हम वाइप करें और ये उतर जाए। ठीक है ना भैया? ये जो ये हर्ट नहीं करेगा बॉडी को ना, सूखे कपड़े से होता नहीं है, फिर मज़ा नहीं आएगा, बाकी कहीं भी नहीं है। ये तो पूरी साफ़ हो गई, या सर वो खड़ी उसको भी साफ़ करते हैं। अच्छा, आपको जो है ना वो कंसोल यहाँ भी है, ये इसमें अच्छा लगा हुआ है, पहले से ही लगा हुआ। अच्छा, ये स्टेयरिंग स्टिच आप देख लो, रात को नज़र ही नहीं आया था, VIP हो गया, फिनिशिंग अच्छी। ये जो है ना सीट कवर के साथ जिसने भी लगाया था तो उसने इसके ऊपर वो कर दिया था, क्या बोलते हैं इसको, रबड़ से इसको पहना दिया था, और मैंने क्या किया इसके बिल्कुल फिक्स करा दिया इसको, जान छुट्टी। अच्छा, लाइटें भी आपको चेक करा था, वो भी रात में कराई थी। ये 2025 की LED है जो फुल में लगाई है ना, मैंने कहा वैसे भी बेचनी है, घर में मुझे रखनी नहीं है, तो मैं इसमें महंगी इतनी क्यों लगाऊँ। रिजल्ट बहुत अच्छा है यार इसका, देखो नीचे CC लगी, बड़े दिनों बाद यार इसको करेंगे स्टार्ट। अच्छा, इसका ऑयल भी जो है ना 2600 ये 3000 पे चेंज कर दूंगा इंशाल्लाह। यार इसमें 2-3 दिन जब मैं बंद करके छोड़ देता हूँ ना, खुशबू हो जाती है अंदर गाड़ी में, 0 मीटर की, अरे अपने हाथ की निकली है गाड़ी ये तो। अच्छा, इसमें स्प्रे मैंने उस दिन लिया था अकील भाई से, ये वाला टायरों का, ये हम इस पर तो मैं शायद नहीं लगाऊँ क्योंकि इसके साफ है। अच्छा, रिजल्ट भी इसका अच्छा है, आप देखें, ये मैं शहदादपुर में लगा के आया था, उसके बाद रिबर्थ ली, उसके बाद इसको मैंने छोड़ दिया था गाड़ी में, टायर देखे कैसे अभी तक चमक रहे हैं। इसका लगाने का तरीका क्या है वो आपको दिखाता हूँ रिबर्थ में। बस थोड़ा और भी लगाना पड़ेगा, रिम पे लगा रहे हो फिर भी मर्जी है आपकी, लगाओ, मैं तो नहीं लगाना। भाई ये है टायर फॉर्म, सही है, पावरफुल क्लीनिंग फॉर अ डीप ब्लैक लुक, और बिल्कुल इजी। अभी देखे मैंने इस पर स्प्रे किया, आप चाहो तो उस पर कपड़ा लगा दो, नहीं भी लगाओ तो खैर है, जल्दी जल्दी में आपको जाना हो, टायर ख़राब है इसको स्प्रे कर दो, 5 मिनट छोड़ दो, फिर ये खुद ही बह जाएगा पूरा, पीछे भी लगाए इस तरफ भी लगाए, खुद ही बह जाएगा। टाइम है तो 5 मिनट में कपड़ा लगा लो, ओके हो जाएगा, जैसे ऐसे लगे जैसे धुले में। इंटीरियर तो बिल्कुल ओके हो गया, टायरों को भी मैंने कपड़ा मारा है क्योंकि मुझे जाना नहीं है, देर है मुझे निकलने में, तो टायर दे सकते हैं, VIP होगा माशाल्लाह। 100 दफ़ा दिखा चुका हूँ गाड़ी, फिर भी दिल नहीं भरता। इंटीरियर पे ब्लैक जो है ना इसका, इस पर पॉलिश लगाऊंगा, कौन सी लगाऊंगा अभी दिखा। गाड़ी की देखभाल करना इतनी आसान नहीं है, अब देख सकते कितना पसीना भर गया, गाड़ी भी बोलेगी एहसान कर रहा है क्या मुझ पर, तो सीधा सीधा स्प्रे करेंगे और हल्का हल्का सप्लाई करते जाएंगे। मीटर का शीशा वगैरह सब बचाना है हमें क्योंकि वो फिर चिपचिपा हो जाता है। अबे यार ये कंसोल रिबर्थ में होता ही है ऐसा मसला, हो गया ओके, इधर भी लगाते हैं इधर भी लगाते हैं, स्टीयरिंग व्हील पे नहीं लगा देना, गाड़ी चलाते हुए फिर तुम्हारी ड्रेसिंग हो जाए, फिर जहाँ जहाँ ब्लैक है वहाँ वहाँ लगाना, शीशे का ख्याल करके स्प्रे कर लो करना इसको, और
मैं 7CF यूज कर रहा था पर यार वो बहुत ज्यादा चिपचिपा हो रहा था। गाड़ी को तो साफ कर दिया पूरा अंदर बाहर से, बाकी ये कि जहाँ मैं तस्वीरें लेता हूँ वहाँ पे धूप है, आप देख सकते हैं फुल भरी हुई धूप। तो ये धूप जाएगी अभी 11 बज रहे हैं, 2 या 1 बजे मैं आता हूँ नीचे फिर करते हैं। तस्वीरें ले ली अभी 2:15 बज रहे हैं और सीट बेल्ट लगाया करें, मैंने नहीं लगाया पर आप लगाया करें। एम्प लेके जा रहा हूँ अकील भाई के पास, एक वूफर मेरे पास पड़ा हुआ था बहुत टाइम से, 2015 में मैंने लिया था पॉइनर का D4, उसमें 2-3 गाड़ियों में मैं लगा भी चुका हूँ, रिबॉन में पहले भी एक रिबॉन थी उसमें, अभी इसमें मुझे शो कर रहा है इसमें भी लगाऊं, क्योंकि इसमें जो है ना साउंड हेवी साउंड है बिल्कुल, इसका जो ओरिजिनल साउंड है ना उस पर एंड्रॉयड पैनल पे बहुत ज़्यादा VIP, आपको चेक भी कराता हूँ अगर पॉसिबल हुआ तो। उस पर अगर वूफर लग गया ना 4 चांद लग जाएंगे साउंड को, मैं ये सोच के मैंने एम्प ले लिया। एम्प भी मेरे पास पड़ा हुआ था, ऐसे ही पड़ा हुआ है घर पर, मैंने कहा चलो उसमें लगा लेते, बेचने के टाइम पे निकाल लेंगे, जाहिर अपनी चीज़ें हमारी मर्जी, हम निकालें नहीं निकालें अब हमारा राइट है। रिबर्थ POV वन ऑफ द बेस्ट POV क्योंकि शशके हैं सारे इसमें और फिर एंड्रॉयड स्क्रीन इसमें अच्छी भी लगती है। अच्छा मेरे पास जो पहले थी उसमें जाहिर वो क्लाइमेट कंट्रोल ऑटो नहीं था, वो था एनालॉग था मैनुअल था, तो इसमें ये शशका अच्छा लग रहा है और डैशबोर्ड देख रहे हैं वैसा शाइन कर रहा है क्योंकि वो पॉलिश जो है वो उसको पॉलिश से ड्रेसिंग की थी, ज़्यादा चिपचिपा भी नहीं हुआ। इसका व्लॉग में सॉरी इसका मैं रिव्यू जो है पूरा बनाऊंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हर दफ़े कहता हूँ गाड़ी बिक जाती है पर जैसे ग्रैंडी का कहा था पर इसमें करेंगे। अच्छा क्रूज़ भी है इसका, मैं तो मुझे तो याद भी नहीं है इसमें क्रूज़ है, अरे हाईवे पे जाएंगे तो क्रूज़ भी लगाएंगे, वादुआ पे थोड़ी लगाएंगे। आ गया हूँ लछपाला टोस पे, वायरिंग हो रही है, ये फ्यूज़ भी लगाएंगे ज़रूरी है, फ्यूज़ कहाँ लगेगा आपको बताऊँगा कहाँ लगेगा। ये वूफर लगा रहे हैं, वायरिंग हो गई है अंदर से भी हो गई है, फिटिंग हो गई है पूरी, ये वायर जो है एम पीछे आएगा सीट के, ये वायरिंग उसकी होगी, सफाई से काम किया है भाई, वायरिंग हो गई टाइट कर दिया ना नट, वायरिंग हो गई देखो किससे की VIP, एक कट लगेगा बीच में है ना जी, कट लगेगा, कट लगेगा फिर ये लगेगा, ये होता है वो फ्यूज, फ्यूज जो है ना ये होता है अलग, वायरिंग के साथ नहीं होता ये, अलग से वायरिंग होती है उसमें होता है, बता रहे आप बोलोगे इधर आके यार हमें भी ये चाहिए, अलग से मिलेगा ये, ऐसे ही ना रिजवान भाई, लेता भी मुश्किल थे अलग से मिलता, ये जरूरी है सिर में यार, इसमें भी मेरे पास लगा हुआ लटका उठका कोई आएगा। कब हुआ भाई देखो ये वायर यहाँ से आई फ्यूज के थ्रू अंदर गई, ये काबू है यहाँ पे वायर, सेफ्टी तो फर्स्ट है ना भाई। बोनेट वाला काम खत्म, ये एम्प लगवा रहा हूँ पड़ा हुआ था मेरे पास, मैंने ही लिया था 2019 में लिया था, मेगा साउंड 4000 वाट है इसलिए या नहीं है MS 704 देख लो, बस ये फिट होगा, पेटी मंगाई ऊपर की क्योंकि अपनी वाली ख़राब हो गई, ये पड़ी ख़राब हो गई इसलिए दूसरी मंगाई है, 24 इंच 30 इंच वाली मंगाई है, पेटी आए तो फिर काम चालू है। अंदर वाला तो मैंने आपको दिखा दिया क्या था भाई, ये हमारी पेटी है, ये पुरानी हो रही, ये नहीं है, साउंड में भी फर्क आएगा। भाई फाइनली लग गया, स्क्रू लगेगा बस, का साउंड आपको सुनवाता हूँ, उससे पहले LED बताता हूँ, फुल में लगाई थी ना, फुल वाली निकाल दी, उसमें ओरिजिनल बल्ब लगा दिए, दूसरे लो में मैंने लगाई है, अभी लॉक करेंगे इसको, अनलॉक करेंगे ना,
इतनी बेहतरीन है, नीचे रस्सी सिक्स है बहुत उसमें बम्पर में, और ये जो है ना फूकू हामा पता नहीं क्या नाम है, ऐसा कोई नाम है वो लगी हुई है, बेहतरीन रिजल्ट है। ये रिवर्स में सिस्टम है, 30 सेकंड तक आप छोड़ देंगे गाड़ी को ना लॉक करके, खुद ही लाइटें ऑफ हो जाएंगी बैटरी बचाने के लिए। ये देख लो सही भाई, सामान तो आपने पूरा देख लिया था, एम कौन सा है, वूफर कौन सा है, पेटी वेटी सब आपने देख ली थी, 30 इंच की पेटी है, सब आपने देख लिया था सही डिटेल में। तो अब आपको मैं जो है वो रिजल्ट दिखाता हूँ। ऐसा राफे भाई पर वो वीडियो में आ रहे नहीं, और चेक कराता हूँ, कोई गाना देख लो कौन सा है, फिर मुझसे नहीं पूछना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे ही मैंने NCS का मैंने सर्च कर लिया, शुरू से लगा देना, आपको आवाज भी तो आए, स्पीकर नहीं छेड़े थे, एयरफोन लगाइएगा सही पता चलेगा सही है। भाई पहले तो मैं भी बेस का शौकीन होता था, मतलब फुल बेस, हार्ड बेस, लो बेस, फुल सही है, लेकिन अब थोड़ा सा परफेक्शन के पीछे भी आए हैं, मतलब परफेक्शन को फॉलो किया है। परफेक्शन कैसे, अभी गाना चलेगा तो आपको आवाज़ भी बैलेंस्ड आएगी, आपको छंकार भी बैलेंस्ड आएगी, आपको बेस थोड़ी ज़्यादा आएगी क्योंकि हमने बेस पे पूरा एक पूरी पेटी पीछे रखी है, तो उसका अलग ही मज़ा है। लेकिन साउंड हो रही है, पूरी चीज़ें कवर हो रही हैं साथ, मतलब समझ आ रहा है कि कुछ बज रहा है और कौन सा गाना बज रहा है, वरना पहले से नहीं होता था, मैं लगवाता था बस धम 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 धम। वैसे ये नो कॉपीराइट म्यूजिक में मेरा फेवरेट है गाना, 2 साल पहले भी मैंने रिबोन की वीडियो बनाई थी उसमें भी यही चेक किया था, लेकिन उसके बाद मतलब फेवरेट है मेरा। ओरिजिनल स्पीकर 4 होते बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। मैं भी कट रहा हूँ, बटन लगता है वैसे एम का, मैंने इसमें नहीं लगवाया, मुझे रिजवान भाई ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, एम इसका ऐसे है वो ड्रेन नहीं करेगा बैटरी को, वरना अदर बटन लगता है वो यार इसमें लगा हुआ, आपको फिर कभी दिखाऊंगा, वो बटन हम दबाते हैं तो वो एम ऑन हो जाता है, और जब हम मतलब ऑफ करते हैं तो ऑफ हो जाता है। आर यू रेडी गाइस, अभी हम आवाज़ देंगे और प्ले करेंगे। यार आवाज मैंने हल्की रखी है क्योंकि इसमें लगा हुआ है अलार्म, वो ट्यू 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 करेगा। था व्लॉग, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें, शुक्रिया।